अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर पेन से लिख लिख कर इन बैलेट पेपर्स को इनवैलिड कर रहे हैं, वो तो 8 से ज्यादा पे लिख रहे हैं भाई। अगर आप देखेंगे सारे बैलेट पेपर पे लिख रहे हैं, अगर वो टैम्परिंग कर रहे होते तो भाई 8 पे लिखते, क्योंकि 8 ही वोट तो इनवैलिड हुए, वो सब पे लिख रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही जगह लिख रहे हैं भाई, कहीं टैम्परिंग करेंगे तो कहीं ऊपर लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे, कहीं टाइम कर देंगे, सारे पेपर पे वो लिखते जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ा देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को टैम्परिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते लिखते तब समझ में आता कि ये टैम्परिंग हुई है। वो सारे कागज पर लिख रहे हैं, एक ही जगह पर लिख रहे हैं, और इसलिए ये टैम्परिंग नहीं बल्कि चुनाव। अभी बता दें भाई, अभी बता दें, चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। क्या बोला तूने? आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में हुए मेयर के चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया है, और यह कहा है कि इन चुनावों में गलत तरीके से 8 वोटों को अवैध घोषित किया गया, और इसके लिए चुनाव कराने वाले इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह जिम्मेदार है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और अदालत ने उन्हें एक नोटिस भी जारी किया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख रूप से 3 बड़ी बातें कही। पहली बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का नया मेयर घोषित कर दिया है, जो 30 जनवरी को हुए चुनाव में 8 वोटों के अवैध घोषित होने की वजह से हार गए थे, और उनकी जगह बीजेपी के उम्मीदवार चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव जीत गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार ही चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने गलत तरीके से 8 बैलेट पेपर्स पर स्याही का निशान लगाया और जानबूझकर इन बैलेट पेपर्स को खराब करने की कोशिश की, जबकि ये बैलेट पेपर्स यानी ये वोट खराब नहीं थे, और वो असल में बीजेपी के नेता रहे हैं और एक मनोनीत पार्षद भी है, जिसकी वजह से उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट को अपना ये कड़ा फैसला सुनाना। जो पूरी गड़बड़ी की है, धांधली की है, 8 वोट खराब किए हैं, ये अनिल मसीह ने किसके इशारे पर किया है? अनिल मसीह से ये सब करने के लिए किसने कहा था? अनिल मसीह का मसीहा असल में कौन है, ये तो पूरा देश जरूर जानना चाहे।